गाइस दिस इज हार्दिक। आगे क्या बोलूं? I am sat here thinking of you once again. So good morning from Gaza. आज है डे 4 इन गाजा। आज का प्लान हम ऐसा है कि आज गाजा से जाएंगे पिन वैली, पिन वैली से जाएंगे कुंगरी, कुंगरी से जाएंगे मुड़। हमारा दंगर जाने का विचार था बट ताकि सबकी तबीयत ठीक नहीं है सो वी आर स्किपिंग दैट, क्योंकि दंगर जाने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ता है, 4 किलोमीटर का स्टीप ट्रैक है, तो वो हम स्किप कर रहे हैं। तो आज छोटा सा दिन है, मतलब ज़्यादा जगह जाना नहीं है, और आज हमारा लास्ट डे है गाजा में। कल हम निकलेंगे गाजा से कल्पा जाने के लिए। वीडियो देखने से पहले लाइक कर दीजिए क्योंकि आज भी कुछ धमाकेदार ही वीडियो होने वाला है। एंड सब्सक्राइब करो चैनल को और प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और अगर कल का वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, तो कल का वीडियो देख लीजिएगा। मॉर्निंग बंटी भैया। गुड मॉर्निंग भाई जी। आज कहाँ जा रहे हैं? आज जा रहे हैं पिन मुद कुंगरी मिनिस्ट्री। ओके। Songs in my head now, they all make sense. Now we are in Pin Valley, और ये सिर्फ एक स्पीति जैसी वैली है, और ये स्पीति के अंदर आती है पिन वैली। और ये जो मेरे पीछे देख रहे हो उस गांव का नाम है शबनम, और ये पिन वैली का सबसे बड़ा गांव है। और उसके पहले एक मिक्किम करके गांव आया था, वहां पे हमने बोर्ड देखा था कि वहां की जनसंख्या सिर्फ 30 थी और तकरीबन 10 घर थे, तो काफ़ी छोटा गांव था। और ये पिन वैली का सबसे बड़ा गांव है। स्नो देखने मिल गई हमें, कल हम तड़प रहे थे स्नो के लिए, और यहाँ पे काफ़ी नज़दीक है, तो हम जब अभी आगे मुड़ जाएंगे तो वहाँ पे हमें स्नो और भी नज़दीक से देखने मिलेगा। अभी हम यहाँ मुड गांव में पहुँच गए, और ये सबसे लास्ट जगह है। यहाँ से कुछ नहीं होता, यहाँ से सिर्फ जो मेरे इस तरफ दिख रहा है वहाँ से पिन पार्वती का ट्रैक जाता है, और बीच में नदी है, और नदी के बाद बाहुपुरी का ट्रैक जाता है। तो यहाँ पे अभी हमें थोड़ा ग्लेशियर दिखा है पीछे, और यहाँ पे थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे, और हम ग्लेशियर के काफ़ी नज़दीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बर्फीले पहाड़ है। तो यहाँ के जो गांव है वहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे खेती है, तो यहाँ पे मोस्टली वो लोग मटर उगाते हैं, मटर और आलू। और जब इनकी खेती जब ऑफ सीज़न हो जाता है तो वो लोग स्टोर करके रखते हैं और फिर सिर्फ मटर और आलू की सब्ज़ी खाते हैं। तो अभी यहाँ पे मुड़ गांव के यहाँ पे हमें थोड़ा ग्लेशियर मिला है, तो अभी हम लोग थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं, खेल रहे हैं। सॉरी हाई एल्टीट्यूड पे तो नाक में से पानी आ रहा है, ठंडी बहुत है इसीलिए हैवी ब्रीदिंग हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। थोड़ा स्लीपरी है बट इट्स मैनेजेबल। तो अभी हम मुड़ गांव से रिटर्न हो रहे थे, और ये छोटा सा सस्पेंशन ब्रिज देखा, और ये स्पेशली तेलिंग गांव के लिए बनाया हुआ है। जो पीछे है कहाँ गया वो रहा, वो तेलिंग गांव के लिए स्पेशली सस्पेंशन ब्रिज बनाया हुआ है। थोड़ा स्केरी लग रहा है बट हम करेंगे, करके आएंगे, घूम के आएंगे। सो लेट्स गो। तो अभी ये जस्ट सस्पेंशन ब्रिज पे वहाँ से यहाँ क्रॉस किया मैंने, और ये बहुत स्कैरी है, पूरा हिलता रहता है, ओहो बहुत ही खतरनाक है। अरे भाई फट गई भैया, और ठंड भी बहुत है, बहुत ज़्यादा हवा तेज चल रही है, बट मज़ा आ गया। अच्छा ये जो पिन वैली है, पिन वैली यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है 20,000 फीट, और यहाँ पे जो भी वैली है वहाँ पे सबसे ऊंचा माउंटेन है वो 20,000 फीट का है,
और यहाँ पे तकरीबन दो तरह के जानवर पाए जाते हैं, एक तो स्नो लेपर्ड और एक साइबेरियन आइबेक्स। मौसम बहुत ठंडा है, मैंने कान में भी रुई डाल दिया क्योंकि अभी मेरा हेडेक चालू हो गया है। तो अभी हम कुंगरी गांव में पहुंच गए और यहाँ की जो मोनेस्ट्री है इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन स्पीति वैली, और यहाँ पे बुद्धिज़्म फॉलो होता है और ये तकरीबन 1330 में बिल्ड हुई थी ये मोनेस्ट्री। तो अभी हम थोड़ा लेट हो गए, वी आर नॉट टू श्योर अगर हमें अंदर जाने मिलेगा, अगर मिल गया तो अंदर चले जाएंगे, नहीं तो बाहर से देख लो नज़ारे। सो वी आर बैक इन काजा, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, बहुत मज़ा आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दबाए बिना मत जाना एंड प्लीज़ डू स्मैश द सब्सक्राइब बटन। कल हमारा काजा से कल्पा जा रहे हैं, सो हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो गई है एंड कल का भी वीडियो होपफुली मैं डालूँगा अगर कुछ कंटेंट मिला तो, अदरवाइज थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड Enjoy the show. Bye bye. फेंक पानी में, फेंक उसको पानी में, फेंक।